धारणाएं अगर योगी बनना है उसके लिए परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चेलने की धारणा करनी है। जो परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलता है उसका ही योग परमात्मा से लगता है। और पर बाबा के तो श्रीमत बहुत है, जैसे कोई भी मां बच्चों को प्यार करते हैं, कब करती है, कब करती है, जब वो बच्चा मां का कहना मानता है। अगर कहना नहीं मानेगे तो मां उसको प्यार नहीं करेगी। सवेरे जल्दी उठाती है, ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देती है, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करता है, शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखते हैं मैंने जो उसको कहा वो करके आया नहीं, करके आया, बोले कि तुम चिल्लाते हो, मैं यही ठीक हो। अच्छा जाएगी जाकर दो थप्पड़ लगा देगी, तुमको मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो क्या आया। अगर वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो मम्मी क्या करती, उसको प्यार करती, खिलाती, गोदी में बिठाती। इसी तरह परमात्मा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देती है। मुरली क्या है, मम्मी का कहना, डायरेक्शन, आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, निगेटिव नहीं सोचना, कई डायरेक्शन दिया है। मुरली को दो कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या करने के लिए बोला, और दूसरे कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या मना किया। अगर सारा दिन मुरली में जो कहा वैसे करेंगे, शाम को आएंगे योग में बैठेंगे, योग में बाबा का प्यार अपने आप मिलेगा। अगर योग में बाबा का प्यार नहीं मिलता, जरूर मैंने कुछ गलतियां की है। इसलिए बाबा का श्रीमत बहुत जरूरी है।